सीरियस न्यूज सच का साथी। गांव की वास्तविक स्थिति को सरकार तक पहुंचाने के सिलसिले में एबीपीएस न्यूज की टीम जिला गाजियाबाद पहुंची। आगे की बात सुनते हैं सीधे ग्राम प्रधान की जुबानी। मान दे तो ये प्रधान, मैं तो मानता हूँ प्रधान सुबह से लेकर शाम तक, शायद मेरी वह मांग सुबह से लेकर शाम तक, यदि आदमी मेहनत करना हम चाहते हैं कि हमें मेहनत करनी चाहिए। इस उम्र के जो नौजवान प्रधान बने हैं उनके लिए भी प्रेरणा है कि हम कुछ अलग करके दिखाएं, और हम ये चाहते हैं हमारा जो मानदेय है वो कुछ बढ़ा दिया जाए। 3500 रुपया है, 3500 रुपये में तो मतलब कि मेरे ख्याल से बहुत, मेरे ख्याल से मैक्सिमम प्रधान तो लेते ही नहीं होंगे, थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता 3500 रुपये लेते हुए, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी खर्च मतलब कि नेता लोग आते हैं बाहर भीतर के भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा होता है। लेकिन मान सम्मान, लेकिन यदि मानदेय मेरी एक खासकर मांग है, और मेरी क्या मैक्सिमम प्रधानों की सभी की मांग है कि मानदेय प्रधानों का बढ़ाया जाए। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के अंदर, मैं ये तो नहीं कह रहा, अहंकार वाली बात नहीं बोल रहा, और मैं तो एक सलाह भी दे रहा हूँ और सजेशन भी दे रहा हूँ, और मैं ये मानता हूँ प्रधान करना भी चाहिए। हालांकि हमने छोड़ बहुत प्रयास किया है, जितना हमारे ग्राम पंचायत में पैसा आया है उससे दुगना पैसा मैं हमारे नेताओं लोगों से लेकर आया हूँ, जैसे हमारे MLC साहब हैं, विधायक साहब हैं, प्रमुख साहब हैं, उनके MP साहब हैं, उनके माध्यम से जो मैं अपने गाँव में अपने ग्राम पंचायत की धनराशि से दुगनी राशि लेकर आया हूँ, जो मैं मानता हूँ डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के अंदर इतना पैसा जितना ग्राम 255 के अंदर आया शायद नहीं आया हो, मेरा ही मानना। मैं ग्राम 255 से बोल रहा हूँ, और हमारे ब्लॉक पड़ता है राजापुर, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, और मेरा नाम सुनील कुमार पायल है, और मैं ग्राम प्रधान हूँ वर्तमान। मैंने अपने गाँव के अंदर 3 तालाब हमारे यहाँ पर, उनके तालाबों की सफाई कराई है जो पिछले 30 साल से नहीं हुई, तो बहुत उनमें करीब करीब लगे लगे 1.5-2 महीने हो गया, और मैंने अपने गांव की 20 से 21 गलियाँ और रास्ते बनवाए हैं इंटरलॉकिंग और टैल निर्माण से, और जितना हमारे ग्राम पंचायत के अंदर पैसा आता है उससे दुगना पैसा बाहर के जो नेताओं से चाहे MP है, चाहे विधायक है, चाहे MLC है, उनके माध्यम से, उनके कोटा से लेकर आया हूँ, तो उनके माध्यम से एक मैंने अपने गांव का शमशान घाट बनाया है, जो मैं मानता हूँ ग्राम पंचायतों में डिस्ट्रिक्ट के अंदर शायद पहले स्थान हो, और एक हमारे गांव के अंदर ना कोई इनम सेंटर है, ना कोई पंचायत घर है, ना कोई बरात घर है, सरकार सुविधाएँ बिल्कुल ख़त्म है एक तरह से। हमें यदि थोड़ा सरकार का सहयोग मिल जाए तो शायद हम और बेहतर बना सकते हैं अपने गाँव को।